यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी हगै का ग्रंथ अध्याय एक वाक्य 1-8। मंदिर फिर बनाओ, मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। राजा दारा के शासनकाल के दूसरे वर्ष के 6 महीने के प्रथम दिन नबी हगै के माध्यम से शाह अदलियल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरूबाबेल और योसोदाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ को प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई। यह उस मंडल के प्रभु की वाणी है। यह राष्ट्र कहता है, अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है, किंतु नबी हगै के माध्यम से प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? इसीलिए विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूनते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ, मैं उससे प्रसन्न होऊंगा, उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन का तो मैंने सिर कटवा दिया था, फिर यह कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातें सुनता हूं? राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि योहन मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, योहन का तो मैंने सिर कटवा दिया है, फिर यह कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातें सुनता हूं? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। प्रियजनों, यीशु की शिक्षा क्रांतिकारी शिक्षा थी। यीशु के काम क्रांतिकारी काम थे। कोई भी व्यक्ति इस शिक्षा को सुनकर
असमंजस में पड़ जाता है और प्रभु के क्रांतिकारी कामों को देखकर कोई भी व्यक्ति अचंभे में पड़ जाता है। वो विश्वास नहीं कर पाता है कि आखिर एक इंसान इन सारे कामों को कैसे कर सकता है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा से उत्पन्न था। वो पिता की आज्ञा का पालन करता, पिता से सामर्थ्य प्राप्त करता, जो कुछ वह उनसे सुनता था वही वह लोगों को समझाता था। राजा हेरोद ने योहन का सिर कटवा दिया था, लेकिन जब उसने यीशु के विषय में सुना कि वह रोगियों को चंगा करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, अंधों को आंखें, बहरों को कान देते हैं, तो वह असमंजस में पड़ गया और वह कहने लगा कि मैंने तो योहन को मरवा डाला, परंतु ये दूसरा व्यक्ति कौन जीवित हो उठा है जो इस प्रकार के महान चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। इसलिए वह आश्चर्यचकित हो जाता था और वचन कहता है वो उसे देखने के लिए उत्सुक था। वास्तव में वो उसे देखने के लिए उत्सुक नहीं था, परंतु उसे डर था कि उससे बड़ा महान व्यक्ति और कौन इस धरती पर पैदा हो गया है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वह उसे देखना चाहता था, उनके कामों को देखना चाहता था, क्योंकि राजा हेरोद नहीं चाहता था कि उसके राज्य में उससे बड़ा कोई और भी व्यक्ति हो। आज के पहले पाठ में हमने सुना नबी हगाई के ग्रंथ से जो हमें पढ़कर सुनाया गया। प्रियजनों, प्रभु की वाणी नबी को ये कहते हुए सुनाई पड़ी कि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, मैं कैसे लोगों पर दया कर दूं। बाइबल हमें बताती है नबी हगाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5, इसलिए विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो, तुम खाते हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता, मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। प्रियजनों, विपत्तियों का सबसे बड़ा मूल कारण प्रभु की अवज्ञा है। हमारे जीवन में विपत्ति का, दुख का, कष्ट का सबसे बड़ा मूल कारण ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। संत पौलुस इसे स्पष्ट करता है कि धन का लालच सब बुराइयों की जड़ है, परंतु नबी हगाई के ग्रंथ में प्रभु हमें समझाना चाहता है कि तुम बहुत बोते हो कम लुनते हो, क्योंकि तुम मेरी ओर ध्यान नहीं देते हो, तुम मेरे मंदिर में जहां पर मैं निवास करता हूं तुम वहां पर ध्यान नहीं देते हो, तुमने उसे उजाड़ दिया है। और नई व्यवस्था में संत पौलुस इस मंदिर के विषय में बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय ईश्वर का मंदिर है। प्यारे भाइयों और बहनों, नबी हगाई के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन प्रधान याजक योशुआ को उसकी वाणी के रूप में प्राप्त हुआ कि तुम जाकर मंदिर का पुनर्निर्माण करो। हालांकि याजक कहते थे कि अभी उसका निर्माण नहीं किया जाना, अभी समय नहीं आया, परंतु प्रभु ये कहता है तुम जाओ और उसका निर्माण करो। आगे लिखा है विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है कि तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, पहाड़ी प्रदेश से जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ, और प्रभु कहता है मैं फिर से प्रसन्न होऊंगा। आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में प्यारे भाइयों और बहनों, इस मंदिर का निर्माण कैसे होना चाहिए। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा हृदय ईश्वर का मंदिर है,
इसलिए इस शरीर का निर्माण करना प्रायश्चित के साथ, दान पुण्य के साथ, दशमांश के साथ, भेंटों को प्रभु के मंदिर में समर्पित करके प्रायश्चित करते हुए इस मंदिर का निर्माण करना, पवित्रता की साधना करते हुए इस मंदिर का निर्माण करना। और प्रभु ये कहता है कि मैं इससे प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूँ। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अध्याय 2 पद संख्या 6 और उससे आगे विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, मैं थोड़े समय के बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिला दूंगा, मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा, तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, चांदी मेरी है, सोना मेरा है। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। प्रभु कहता है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, इसलिए तुम इन सारी चीजों को लाकर इस मंदिर का निर्माण करो और देखो मैं उसमें निवास करने के लिए आऊंगा। आज अपने परिवार जो एक मंदिर है उसको बनाने का प्रयास करें। हमारा व्यक्तिगत जीवन जो एक ईश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, प्रभु कहता है उसका निर्माण करो, उसका निर्माण करो और देखो मैं उससे प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में निवास करूंगा। आज के दोनों पाठ प्यारे भाइयों और बहनों हमें यही शिक्षा देते हैं कि यीशु की क्रांतिकारी शिक्षा, उनके क्रांतिकारी कामों को देखकर हम पिता ईश्वर में विश्वास करें, ईश्वर में विश्वास करें, प्रभु यीशु में विश्वास करें, ताकि वो हमारे जीवन में आशीष प्रदान करें। आइए हम मनन चिंतन करके देखें कि क्या वास्तव में मेरा शरीर रूपी मंदिर स्वस्थ है, क्या वास्तव में मेरा शरीर रूपी मंदिर प्रभु के योग्य है, क्या वास्तव में मेरा हृदय रूपी मंदिर ईश्वर की उपस्थिति के योग्य है, क्या मैं वास्तव में संपूर्ण हृदय से समर्पित होकर प्रार्थना कर सकता हूँ या प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हमें आशीष दे, आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें और इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। अपने सिरों को झुकाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर दयालु पिता, हृदयों की थाह लेने वाले अब्बा पिता, तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि डाल, जो वचन आज सुनाया गया है हे प्रभु यीशु, इनके हृदयों को शुद्ध करे, पवित्र करे और ये अपने हृदय रूपी शरीर रूपी मंदिर का निर्माण कर सके। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। हमारे परिवार में तेरा सदा सामर्थ्य उपस्थित रहे, हमारे शरीर आत्मा हृदयों पर तेरी आत्मा सदा विराजती रहे। और आज के वचन के द्वारा इन तमाम लोगों को आशीष मिले, मार्गों में आते जाते समय, रास्तों में इनकी अगुवाई कर, दफ्तरों में इनकी अगुवाई कर, इनके कामकाज में इनकी सहायता कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी जीवन
ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।